नमस्कार, आज बात करते हैं रीप की राजस्थान के साथ। हाँ, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, आपकी रैंक तो आ चुकी है भैया, बहुत परेशान है। हाँ, बहुत सारे कॉल सारे में पेरेंट्स के, बच्चों के, भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हमारा 1000 रैंक है, 2000 रैंक है, 500 रैंक है, बहुत सारे बच्चों के 8000 रैंक भी है। हाँ जी, टोटल अप्लीकेंट जो अप्लाई करने वाले हैं वो 9 से 10 हजार बच्चे हैं। हाँ, 9 से 10 हजार बच्चे हैं ऑलमोस्ट टोटली जो है। वैसे बाहर से भी बच्चे अप्लाई करते हैं जी, काफी सारे बच्चे हो जाते हैं, बहुत बार जनरली 14 से 15 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं रीप के अंदर। खैर, बात करते हैं आज यहाँ की कट ऑफ की भैया, हाँ कहाँ तक लास्ट राउंड कितने कट ऑफ पर जाएगा, हमारे इतनी ज्यादा रैंक है लास्ट कितना जाएगा, हमें वैसे कितना एक्सपेक्टेशन है, किस रैंक तक हमारा अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, है हमको सीएससी कौन से ब्रांच तक मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कौन से ब्रांच तक मिल जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं यार, 99% बच्चों को सीएससी चाहिए सिर्फ। हाँ, सभी को सीएससी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। हाँ, वैसे सीएससी आप लोगों को मैं थोड़ा बोले बता देता हूँ भाई, अच्छे अच्छे ब्रांचेज। हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग काफी ज्यादा बूम पे आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रोइंग फील्ड आज के टाइम पे है, तो वो है कौन सा, एविएशन सेक्टर। हाँ जी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने सुना होगा भैया, क्लाउड स्टोरेज, इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, आप पहले आज से 3 साल पहले एक ह्यूमन एवरेज मोबाइल पे टाइम स्पेंड करता था 3 घंटे, आज स्पेंड कर रहा है वो 6 घंटे, आप जैसे लल्लू लाल लोग स्पेंड करें 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका डेटा ऑनलाइन बढ़ रहा है भैया, स्टोरेज करने में इश्यू आ रहा है, इसलिए हमको क्या चाहिए, क्लाउड कंप्यूटर चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए। तो काफी ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है ये, आप कंप्यूटर साइंस लेके आप सभी में जा सकते हो। वैसे कंप्यूटर साइंस एक ओल्ड फील्ड है, अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, देन आप डायरेक्टली जो है ये अदर ब्रांचेज होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाँ ये जितने भी अदर अदर होते हैं, क्लाउड स्टोरेज लेको, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत स्कोप है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और मेरे को सबसे ज्यादा ग्रोइंग फील्ड इंडिया में आज के टाइम पे जो लगता है वो है सोलर एनर्जी। हाँ जी, सोलर एनर्जी आपको अगर मिल रहा है आप डायरेक्टली जा सकते हो। वैसे इंडिया का फ्यूचर अगर किसी चीज पे डिपेंड करता है वो है सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और जो चार्जिंग पॉइंट इंडस्ट्री होती है, हाँ इसके अंदर। खैर, हमारा मुद्दा है रीप का। हाँ, हमारे रैंक हजारों में आ रही है, लाखों के अंदर आ रही है। देखो, आपको रियल अगर मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर जो हम जो चॉइस फिलिंग करते हैं, मैक्सिमम हम 10 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी, जिसके अंदर 4 से 5 प्राइवेट कॉलेज होते हैं और 4 से 5 गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। हाँ, ये इतने ही कॉलेज हम रीप की काउंसलिंग के अंदर सेलेक्ट करते हैं। वैसे आजकल बहुत सारे लल्लू लाल, चमनी चोर, चंबन लाल यूट्यूबर हैं जो कि आपसे 500 रुपए भी ले रहे हैं, 999 रुपए ले रहे हैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट देने के। हाँ भाई, हाँ 10 कॉलेज पूरे हैं, आपको 999 रुपए किस चीज के दे रहे हो भाई। हाँ, 10 कॉलेज पूरे हैं मैक्सिमम, और उनकी चॉइस कितनी होगी, 60 से 70 चॉइस होगी। हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे पहले फिल कर दिया सब में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड उसके बाद में जो डॉट है, फिर उस चीज के बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। मैक्सिमम जो कॉलेजों के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास और कोई टाइम नहीं रहता, चलो हम कंटेंट बनाते हैं भैया, कंटेंट बनाते हैं, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, कंप्यूटर के पीछे बैठ के बोलते हैं अच्छा अच्छा हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रीप के लिए अपडेट लेकर आया हूँ, ये देखो रीप काउंसलिंग है मेरी, तुम स्पेशल काउंसलिंग भी ले सकते हो 299 रुपए के अंदर, पूरा कंप्लीट तुम्हारा करियर बना दूंगा। ऐसे बहुत सारे चमन लाल है, आप इन सब से बच के रहो भाई। हाँ, चमन लाल बहुत सारे हैं। खैर, आज मैं बात कर रहा हूँ यार रीप काउंसलिंग की, तो कितना कट ऑफ जाएगा भैया, हमको कितनी लास्ट रैंक तक मिल जाएगा। आपके अगर 1000 रैंक के आसपास आ रही है, 1000 के अंदर अंदर है, तो ऑलमोस्ट काफी अच्छे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। वैसे कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेज है, MBM जोधपुर सिटी, उदयपुर, RTU कोटा, एक अजमेर में कॉलेज है, उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेज जयपुर के अंदर है। हाँ, एक काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है अलवर के अंदर, निमराना के अंदर, NIIT है, वो जो है खुद का उसका एक कंपनी है, दिस इज कॉल्ड NIIT टेक्नोलॉजीज, आपने सुना होगा, वो वैसे 100% प्लेसमेंट का दावा करता है, काफी नामी कॉलेज है वो,
फीस भी काफी ज्यादा है। आरटीयू कोटा और कोटा के अंदर आपको कुछ कॉलेज मिल जाएंगे, उदयपुर के अंदर भी कुछ कॉलेज है, अजमेर में भी प्राइवेट कॉलेज काफी सारे मिल जाएंगे आपको, जयपुर में भी प्राइवेट कॉलेज काफी है, जोधपुर में भी प्राइवेट कॉलेज काफी है। उसके बाद में जो अदर लोकेशन है जैसे सीकर, नागौर, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, ये भीलवाड़ा, हाँ वैसे तो और भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट बना दिए हमारे गहलोत जी ने, ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो कॉलेजेज है इनके पास इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण आपको जॉब लेने में बहुत परेशानी हो सकती है। हाँ जी, अभी तो बहुत एकदम कूल डूल बनने के चक्कर में, हाँ इंजीनियरिंग एडमिशन के चक्कर में अभी आप ले लोगे, लेकिन 4 साल बाद पछताओगे, क्योंकि कोई कंपनी इंटर्नशिप नहीं देगी, या फिर इंटर्नशिप कहीं मिल रही है तो तुमको भाग के बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो उस चक्कर में आप लोग ना फंसो। आप लोगों की अगर 1000 के अंदर अंदर अच्छी रैंक आ रही है, हाँ कैटेगरी रैंक भी आ रही है, देन आपको अच्छे ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हाँ पंजाब के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज भरे पड़े, काफी अच्छे कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। हाँ गुजरात हमारे सपनों का शहर, वहां पे आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे भैया। इंफ्रा, इनोवेशन, जॉब, टेक्नोलॉजी, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, जो सब कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा वहां पे तुमको। हाँ अब हमारे इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर के अंदर इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ पढ़ा है। हाँ इंडिया का सबसे बड़ा शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलेजेज है महाराष्ट्र, उसकी तरफ आप निकल सकते हो, वहां पे आपको सबसे ज्यादा कॉलेज मिलेंगे, एकदम लस ग्रीन एनवायरमेंट, लस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम फीस, स्कॉलरशिप के साथ में। हाँ वैसे आज हम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं भैया, सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर 100% कंप्लीट एडमिशन, पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी है। तेरे इतनी रैंक आई है, तेरा 4000 रैंक आई है, तू रीप के अंदर जा कि नहीं जा? हाँ तू पंजाब जा, गुजरात जा, साउथ बिहार जा, तेलंगाना जा, कहां पर जा तू? हाँ तेरे को कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जरूर से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हो भैया। इसके अंदर तुमको कोई टेलीग्राम नहीं दिया जाएगा, हां और तुमको कोई परफ्रेंस लिस्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर, स्पेशली राजस्थान वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। हाँ जी, लो टू पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है भैया। हाँ घर वालों को नॉलेज नहीं है, अब बच्चों को खुद को ढूंढना पड़ता है भैया, मेरे लिए बेटर कॉलेज कौन सा है, मेरे लिए अच्छा कॉलेज कौन सा है, मेरे लिए अच्छा कौन सा रहेगा, प्लेसमेंट किस में ज्यादा है, हाँ फीस किसका कम है, TFWS सीट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आप बड़े शहर के अंदर रह के पढ़ाई कर लूं, आप प्रिपरेशन भी कर लूं, अब और अच्छी जिंदगी, लाइफ स्टाइल डोले सोले एकदम हो जाए। हाँ डोंट वरी, वो ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं, लो रैंक आया है, बेस्ट करियर ऑप्शन हो, कॉलेज अच्छा हो, प्लेसमेंट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और एकदम क्रेजी लाइफ स्टाइल डूड वाली लाइफ जीना चाहते हो जी भैया, स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, R&D, अब तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, फिर बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं आपकी टक्कर में, पढ़े हो किस चक्कर में, जरूर से जाके ज्वाइन कर लो।